तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि 36 क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना टू पे, तो हम इसको सेपरेट करके देखते हैं कि किस तरह डिवाइड हुआ। टू वन ज़ा टू, ठीक है, थ्री में से टू को सब्ट्रैक्ट किया, वन आ गया और सिक्स नीचे आ गया। टू एट ज़ा 16, ठीक है, टू नाइन ज़ा तो स्टूडेंट्स 36 नहीं 38 आता है, ठीक है। जब हम 181 में से 143 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 38 आता है, ठीक है। थ्री टू थ्री ज़ा सिक्स, टू नाइनटीन ज़ा 38, 38 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स 8 यहाँ पे आ जाएगा ना, 29 ज़ा 18 हो जाएगा। तो ये 19 के साथ कट हो गया, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गई 19/3 की बन गई। तो फ्रेंड्स अभी भी ये डिवाइड हो रहा है, तो हम 19 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 1 कैरी हो जाए, मतलब 1 रिमेनिंग हो जाएगा। तो हम आंसर भी राइट करेंगे इसी फॉर्म में कि 6 आंसर हो गया, ठीक है, 1 रिमेनिंग और 3 हमारा डिनोमिनेटेड। तो फ्रेंड्स आपने भी अपने सेवक अपने नोटबुक पे फोल्डर पे राइट कर लेना, ठीक है, मैथ्स की नोटबुक पे राइट कर लेना। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास ये, इसमें हमने क्या करना, 3 मिल्क मैन बाउट मिल्क टू अ डेरी, व्हाट इज़ द टोटल, इसमें टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो तमाम के तमाम प्लस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या करना है कि इसमें भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रियान बाउट 16 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल, ही यूज 5 1/2 लीटर टू मेक केक्स एंड 6 3/4 लीटर टू मेक पूरीज, हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट, तो कितना ऑयल बच गया। तो हमने अब ये देखना है, सबसे पहले जो इसने यूज़ किया उसको हम प्लस कर लेते हैं, बाद में हम उस प्लस वाली अमाउंट को 16 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट खुद राइट करनी है, सॉल्यूशन से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। ऑयल जो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि रियान ने बाउट किया कुकिंग ऑयल, टोटल ऑयल कितना है, टोटल कुकिंग ऑयल, या हम यहाँ पे रियान वाली स्टेटमेंट दे सकते हैं, दे देते हैं जो बुक में है, रियान बाउट कुकिंग ऑयल, रियान ने जो बाउट किया कुकिंग ऑयल वो है 16 लीटर, उसने यूज़ किया, ही यूज़ मिल्क कुकिंग ऑयल, ही यूज़ ऑयल टू मेक केक, ठीक है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं टू मेक केक, केक बनाने के लिए जो उसने कुकिंग ऑयल यूज़ किया 5 1/2 लीटर, ठीक है। उसके बाद ही यूज़ टू मेक पूरीज, ठीक है, पूरीज बनाने के लिए उसने जो ऑयल यूज़ किया वो 6 3/4 लीटर है। अब हमने जो फाइंड करना है कि ऑयल कितना लेफ्ट हो गया, ऑयल लेफ्ट कितना ऑयल रह गया, तो ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट टोटल जो ऑयल यूज़ हुआ है पहले हम वो फाइंड करेंगे, टोटल ऑयल यूज्ड पहले हम वो फाइंड करेंगे, वो था 5 1/2 प्लस, ठीक है, 6 3/4। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, 1 को प्लस कर देंगे प्लस का साइन, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, प्लस कर देंगे 6 के साथ, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 10 में 1 प्लस किए तो 11/2 प्लस का साइन, इसी तरह 4 6 ज़ा 24 में 3 प्लस किए तो ये हो जाएगा 27/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, तो इसको हमने क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो मैं अब इसको रेस कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने 11/2 को और 27/4 को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेफर करेंगे, ठीक है, 2 and 4 का एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4, मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर आना चाहिए 4, तो 27/4 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो 11/2 को हम 4 में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स 11 और 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना तो 4 आ गया, 22/4, तो दूसरी फ्रैक्शन 11/2 की होगी, 22/4, तो हमने यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन बना ली, ठीक है। तो हम अभी इसकी अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।